डेंगू मलेरिया के साथ चिकनगुनिया का भी अटैक, फिर इतने लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश के आगरा में डेंगू का डंक लगातार लोगों को दस्ता जा रहा है। मंगलवार को बोदला निवासी 17 वर्षीय किशोर, मोती कटरा निवासी 18 वर्षीय युवक, शहीद नगर में 39 साल की महिला सहित 4 मरीजों की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 78 हो गई है। जिन लैब में एलाइजरा टेस्ट किट नहीं है, उनकी जाँच रिपोर्ट की SN में दोबारा जाँच कराई जा रही है। जिले में डेंगू के साथ मलेरिया व चिकनगुनिया भी पांव पसार रहा है। बच्चे वायरल की चपेट में आ रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 22 मलेरिया, 1 चिकनगुनिया व 78 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि निजी लैब जिनमें इलाइजा किट से डेंगू टेस्ट किया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट मान्य है। बिना इलाइजा किट डेंगू की रिपोर्ट को स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाता है। स्क्रीन टेस्ट में पुष्टि के बाद ही डेंगू मरीज माना जा रहा है। 2 लाख की इलाइजा टेस्ट किट। शहर में 150 से अधिक पैथोलॉजी लैब है। डेंगू जांच के लिए करीब 20 लैब के पास ही इलाइजा किट है। एक इलाइजा टेस्ट किट की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। CMO डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि निजी लैब की जगह सरकारी लैब में डेंगू की जांच करा सकते हैं।